रीजनिंग की शुरुआत करते हैं कोडिंग डिकोडिंग से, और हम जानते हैं रीजनिंग एक ऐसा अध्याय है, एक ऐसा सब्जेक्ट रखा जाता है किसी परीक्षा के लिए जिसको हम तर्कशक्ति कहते हैं, और ये माना जाता है कि रीजनिंग से बौद्धिक विकास भी होता है। मेरा तो नहीं हुआ, शायद आपका बचा है बौद्धिक विकास। ठीक, रीजनिंग पढ़ने से, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, माना जाता है कि अगर आपके सब्जेक्ट में से सम्मिलित किया गया है तो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, यहाँ से आप स्कोर बेहतर कर सकते हैं। अगर आपने सारी वीडियोज अगर पूरी देख ली या लगातार आपने वीडियोज पूरा देखा है तो रीजनिंग प्रश्न शायद ही आपसे गलत होंगे। तो रीजनिंग में जो शुरुआत की जाती है, जिससे हम पहला अध्याय के रूप में पढ़ते हैं, वो होता है कोडिंग डिकोडिंग। तो पहला हिंट डालेंगे हम लोग कोडिंग, कोडिंग में लिखेंगे कि यदि किसी अर्थपूर्ण शब्द को किसी अर्थविहीन शब्दों में बदल दिया जाए तो यह क्रिया कोडिंग कहलाती है। तथा कोडिंग के नियम को जानकर उस प्रक्रिया को समझना डिकोडिंग कहलाती है। एक दूसरे का अपोजिट है, मैंने किसी अर्थविहीन शब्द को किसी विशेष नियम के अनुसार उन्हें वापस अर्थ में पा लेना ही, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, डिकोडिंग कहलाती है। इसी अध्याय को हम लोगों को पढ़ना है कोडिंग और डिकोडिंग के रूप में। ठीक, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग के रूप में पढ़ने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, सबसे पहले हम अंग्रेजी अल्फाबेट को पढ़ेंगे। तो अंग्रेजी में जो पूरा अल्फाबेट है उन्हें हम दो प्रकरण से या दो रूप से पहले पढ़ेंगे, तैयार करेंगे, उसी के आधार पर हम लोग इसे पढ़ने का या जानने का प्रयास करेंगे। वो क्या तरीका है उसको आप लोग देख लेते हैं, हम लोग भी देख लेते हैं। देखिए हम लोग क्या करना है, जैसे कि हम लोग भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि कुल अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अल्फाबेट होते हैं, 26। 26वां अल्फाबेट को हम लोग लिख लेते हैं पहले, क्रम से आप भी लिख लीजिएगा। अल्फाबेटों को आपको नंबरिंग करनी और इनको याद भी करना है। बड़ा सिंपल तो लग रहा है कि याद भी हो जाएगा और कर भी लेंगे। ठीक, तो इसको अगर कोड करना है तो पहले सबसे पहले इसको कोडिंग कर देंगे जितना है, क्योंकि इसी के आधार पर ही प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले से ए को हमने किया ए, बी दो, सी तीन, डी चार, ई पांच, एफ छह, जी सात, H8, I9, J10, 11, 12, 13, इसी क्रम में करते जाएंगे। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। ये इनके सीधे क्रम हो गए। ठीक, अब इनको याद कैसे करना होगा देखते हैं, इनको कैसे याद करना। सबसे पहले आप इसमें जितने भी वर्ण इन सभी के जो नंबरिंग है आपको याद करना, आप सबको याद है, याद है आप सबको? अच्छा, इजोटी से जैसे किसी वर्ड का पूछिएगा, टोड़ो किसी वर्ड का पूछिए, किसी अक्षर का, इसका टी का, तो 20 पे, क्यों 17 पे, यल 12 पे, यक्ष 24 पे। ठीक, आपको वैसे याद करना। ठीक, जब मंद बुद्धि बालक होकर याद कर सकते हैं तो आप तो भाई प्रखर बुद्धि बालक हैं।
ठीक सामान्य है, जिसको याद करने के लिए जो पहला जो लोग बताया जाता है हर किताब मिलता है वह ई जो टी, ई जे ओ टी वाई, इसको याद करेंगे 5, 10, 15, 20 और 25, 5, 10, 15, 20, 25, ये हो गया आपका ई जो टी का नियम, ठीक, जो 5, 10, 15, 20, 25 है, ठीक। दूसरा तरीका याद करने के लिए तो हो गया, याद करने का तरीका छोटी, ठीक, इसके आधार पर हम याद करेंगे कौन सा अल्फाबेट किस पे आता है। फिर उसके बाद तो हम जो याद करने का जो मैं बेसिक फंडा है वो यूज करना, वास्तव में इसको इतनी भार लगा दीजिए, इतना पढ़ डालिए समोसा से खा कर रोटी कि आपको पूरा याद हो जाए, ठीक। ऐसा थोड़ी अचानक कि आप पनीर रोटी खाएंगे तो जल्दी याद होगा, ठीक, ऐसा इसके साथ कोई संबंध नहीं है कि आप किससे क्या खा रहे हैं। इजोटिक सहारा इसको याद करने के लिए, और आगे हम लोग देखते हैं इसके और क्या क्या तरीके हो सकते हैं याद करने का, जो मैं आपको बताऊंगा बेसिकली उसको समझते चलेगा। ए का एक पता हो जाएगा, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, ठीक। ई के बाद यफ, यफ कैसा दिखता है देखिए, इसको पैक कर दिया जाए, यफ बराबर 6, यफ बराबर क्या हो गया, इसी को अगर हम ऐसे पैक कर देंगे क्या लिखेगा ये पी, यफ माने 6 और पी माने 16, ठीक, समझ में आ रहा है ना, यफ माने जीव फॉर गोल, उसके लेकिन पेट में छुरा हो गया, लेकिन ये खुला हुआ है तो क्या हो गया, पेट में छुरा भोग दिया सा, इसी को पेट को पूरा पैक कर दिया, देखिए ये फिर झुरा भोग दिया, कितना हो गया 17, आपने पूछा था हमसे क्यों, ठीक। फिर आते हैं यच, इसको देखिए ऊपर से पैक कर देंगे कैसा लिखेगा, ये हो जाएगा 8, ठीक, इसी की एक टांग तोड़ दे ऐसे, एक तरफ पैक कर टांग 18, आर बराबर 18, देखिए इसको लिखते चलिएगा, अलग से नहीं है, आप स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा स्क्रीनशॉट तभी याद होगा, इसे थोड़ी ना कि एक दिन में आपने याद कर लिया याद हो गया, ये पैरल भी बता रहे कैसे कैसे याद होगा, ठीक। आगे बढ़े, इसको मिटा रहे हैं, इजोटी की इजोटी तो सब जानते हैं। अब देखते हैं यच तक हो गया, आई कहते हैं ना आई माई रे, आई कहते हैं ना, आई माने नाइन, आई बराबर 9, ठीक, आई में देखिए इधर टांग तोड़ते हैं, इधर टांग तोड़ते हैं, अगर दोनों टांग को जोड़ देंगे तो यस देखा दिखेगा, यस माने 19, लोग कहते हैं ना यस सर, तो यस सर कहते हैं 19 से पढ़ा याद नहीं होता, सबसे कठिन पढ़ा होता है यस का, ठीक। फिर जे तो जानते ही हैं, जे फॉर जग 10 लीटर पानी, ठीक, जे फॉर जग 10 लीटर पानी हो गया। फिर जे के पहले उधर आगे बढ़ते हैं, टी फॉर 20-20 मैच, दिख रहा है कुछ संबंध, हाँ। अब इसके जे जे के ऊपर क्या है, मुंडी पे ताज है, अब लिख देंगे पाई किस किसके 2 टांग तोड़ देंगे, कहेंगे के क्या टांग तोड़े इसके 2 टांग, तो क्या हो जाएगा ये 11, दोनों टांग ऊपर खड़ा कर देंगे तब ऐसे कहेंगे यू माने 21, ठीक, और एक टांग तोड़ के नीचे कर देंगे, क्या करेंगे इसे नीचे यल, यल माने 12, और दोनों टांग सीधा कर देंगे, पलट देंगे, उल्टा कर देंगे, वी, वी का हो जाए कितना 22, देखिए के माने देखिए 11, 11 दुनी 22, 11 दुनी 22, और यल को तोड़ दिए ऊपर 21, तो टांग पर के 21 10 हो गया, 12 के 21 यल और यू, दिख रहा आप लोग, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, हाँ चलिए अच्छी बात है। फिर आते हैं यहाँ पे यम मौसा, यम फॉर मौसा, ठीक, मौसा माने 13, मौसा माने, मौसा को मार दिया मौसी ने तो टांग ऊपर कर दिया इनका, जब मौसी को मार के पलट गए तो यम पलट क्या हो जाएंगे डब्लू सर, यम पलट क्या हो जाएगा डब्लू, और डब्लू माने 23 हो जाएगा, डब्लू माने 23, समझ आ रहा है ना 23, चलिए यम हो गया। फिर यन माने 14, ठीक, अब यन को खींच के लंबा कर दिए पैसा लिखेगा यस, क्या हो जाएगा आपने पूछा था हमसे यस 24, वाई माने यादव
25 ठीक, जेड माने खत्म, जेड बड़ा 26। इस तरह 26 अल्फाबेटों को याद करने का ये छोटा सा तरीका है, इससे आप हंसते हंसते आराम से याद कर सकते हैं एकदम आराम से। इसको लिख लीजिएगा और आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हमारे डियर है स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, पूरा स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और एक एक करके याद कर लीजिएगा इसको इसको, देख रहे हैं ना, इतना हमको प्रयास किए कि आप साधारण भाषा में से याद करने का प्रयास करें। अगर ये याद हो गया होगा तो कुछ कहानी और आगे बढ़ाए, याद हो गया है। अब इसको उल्टा याद करना होगा, ये तो सीधी नंबरिंग है, अगर इसकी उल्टी नंबरिंग याद करनी होगी तो कैसे याद करेंगे? उल्टी नंबरिंग को समझ रहे हैं, अभी ए फॉर एप्पल से स्टार्ट किए, माने बाएं से दाएं जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा अभी आगे पढ़ेंगे बाएं दाएं, इसलिए समझते चलिए, ये बाएं से, ये बाएं से दाएं जा रहे हैं ना, तो बाएं से दाएं गए तो एक दो तीन, देखिए बाएं हाथ बाएं से दाएं तरफ पढ़ रहे हैं, देवनागरी इसलिए लिपि किस तरफ से किधर लिखी जाती है, एक बात ये भी कंफर्म हो गया। रोमन भी, उर्दू, उर्दू दाएं से बाएं, अब उर्दू थोड़ा सा पढ़ लिया जाए, अब जेड माने ये दाएं से बाएं चलेंगे, जेड वाई एक तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, फिर ऊपर आते हैं 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। इस तरह से आपको उल्टा सीधा दोनों याद करना है। आप तो कहेंगे सर हमको सीधा तो याद ही नहीं हुआ, उल्टा क्या खा के याद करेंगे, सही बात, हाँ तो सही कहा आपने, ये जब सीधा नहीं याद हुआ तो उल्टा क्या याद होगा, नहीं होगा ना, याद हो जाएगा नहीं, इसका तरीका देखिए कैसे याद करते हैं, आप लोग पहले लिख लीजिएगा, पहले पूरा लिख लीजिएगा तब इसको तरीका समझाएंगे, देखिए आप आसानी से कर लेंगे, लेकिन उसके पहले आप सीधा पूरा याद कर लीजिए, आपने ए से लेकर जड़ तक पूरा याद कर लीजिए, याद करने के बाद तब हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं ठीक, यही खत्म करने के बाद तब आगे कल से पढ़ेंगे। अब हमसे उल्टा जरा कोई चाटो पूछिए, ये मत पूछिए हम देख के बता रहे हैं, ये तो आप लोग ध्यान देख रहे हैं, नहीं देख रहे, आर का नौ पे हट जाए, देखा नौ, और पूछिए यम का 14 पे, देख लीजिए दिख रहा है, हाँ दिखा, चलिए आप पूछिए सीधा उल्टा दोनों, हाँ के का 18 पे है, 18 के पे 18 होगा भैया, अरे 16 पे, हाँ ठीक सॉरी घटाने में भूल गया, चलिए और हाँ ई का 22 कैसे लाते हैं पता है, सीधा याद कर लीजिए 27 में से घटा दीजिए ठीक, किसी के 17 में घटा दीजिए, उसके उल्टे सीधे का योग 27 होता है, देख लीजिए जैसे केक आपने पूछा तो 27 में से हमने 11 ना घटा के हमने कितना कम घटा दिया था, तो 27 में से 11 का कितना हुआ 16, हमने 9 घटा इसलिए 18 आ रहा था मेरे मुंह से ठीक, तो सीधा इसका कितने पे है, केक 11 27 में 11 गया 16, आपने पूछा यम, यम हमें याद है 13 पे, 27 में 13 गया 14, और क्या पूछा था आपने आर, आर 18 पे 27 में 18 कटाया था 9, तो दोनों उल्टा सीधा दोनों का योग कितना होता है 27, तो इसलिए आप उसको पूरा समझ लीजिए, इसको पूरा याद कर लीजिए आप सभी लोग, क्योंकि इसी के आधार पर आधी रीजनिंग पड़ी हुई है, इसको वर्गाकार वृत्ताकार कई रूपों में पढ़ेंगे, लेकिन इसकी शुरुआत के टॉपिक थी, इसे आप समझ लीजिएगा, इसे याद कर लीजिएगा, और जल्दी याद करेंगे तो याद नहीं होगा, जितना इसका प्रयोग करेंगे, जितना इसका उपयोग करेंगे उतना ज़्यादा याद होगा, मतलब इसका जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे, कहें सर मेरे पास तो किताब नहीं है, हाँ मैं नोट्स उपलब्ध कराऊंगा, मैं सभी सब्जेक्ट के नोट्स आपको प्रॉपर पूरा उपलब्ध कराऊंगा, जो मैं पढ़ाऊंगा जो मेरा चलेगा उसकी मैं पीडीएफ फाइल आपको उपलब्ध कराऊंगा लर्निंग मित्र की तरफ से, जल्दी हमारी पूरी टीम यूलर्निंग विद दुर्गेश की तरफ से आपके सामने नजर आएगी, हमारे यहाँ टी शर्ट वगैरह सब यूलर्निंग विद दुर्गेश होंगे, जो अध्यापक पढ़ाने आएंगे वो उस तरह से पहले से आएंगे ठीक है, लेकिन शुरुआत अच्छी होगी, धीरे धीरे होगी, उसकी पहल की जाएगी, बस आप सब जुड़े रहिएगा, शेयर कर दीजिएगा, हाँ जहाँ समझ में ना आए उसे आप पूछ लीजिएगा, इस पर आप आगे आपको पढ़ाएंगे, इस बात की गारंटी है कि जो हमारे यहाँ से पढ़ाया जाएगा वह आपको अन्य चैनलों पर
मिलेगा जरूर, लेकिन उस तरह से नहीं मिलेगा जिस तरह से हम पढ़ाएंगे, क्योंकि हम एक अभ्यर्थी हैं और हमें समझ में आता है अभ्यर्थी को कैसे समझ में आता है। इसलिए आपको बेहतर स्कोर करना है, वास्तव में सिलेक्शन लेना है, तो जुड़े रहिएगा, साथ रहिएगा, शेयर करिएगा, और आप साथ रहेंगे तो परिणाम बनना ही मिलना है। रास्ते सही हो, रणनीति सही हो, सफलता तो झकमार के साथ आएगी। हाँ, और इसकी पीडीएफ कहाँ से मिलेगी? आप टेलीग्राम इंस्टॉल करिएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश्वर, बिना स्पेस दिए। जैसे आप दुर्गेश्वर डालेंगे आपको लर्निंग विद दुर्गेश मिलेगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। और अदर अब मैं चैनल अलग बना दूंगा, जैसे सीटेट का अलग, लोअर पीसीएस का अलग, इससे क्या होगा आपको खोजने में समस्या नहीं होगी, लेकिन लर्निंग विद दुर्गेश से सभी चीज़ें मिलेंगी। उसके बाद उसमें अलग अलग डिवाइड हो जाएगा कि सीटेट चाहिए तो यहाँ जाइए, वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में हम वहाँ लिंक उपलब्ध कराते रहेंगे। और हाँ, अगर आप फेसबुक यूजर हैं तो लर्निंग विद दुर्गेश जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और उस पर जो भी पेज पर जो चीज़ें मिलेंगी उससे आप अन्य ग्रुपों में जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप शेयर करके आप उनकी मदद करेंगे जिन तक हम नहीं पहुँच सकते। अगर आप मुझ तक पहुँच चुके हैं तो इसे शेयर जरूर करिएगा। इसके बाद हम पुनः आगे मिलेंगे आपको, किसके साथ? इसके आगे पहलुओं के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।